بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى اله وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه والمغفره हाज़रीन माह मुबारक रमदान कल से शुरू हो रहा है और ये वो महीना है कि जो अल्लाह का महीना है, बेइंतहा फजीलतों का हामिल है, बेइंतहा रहमतें और बरकतें अपने साथ लेकर के ये उम्मत इस्लामी की जानिब बढ़ रहा है। जैसा कि खुद हुज़ूर सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे शाबानिया में इरशाद फरमाया था कि قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه والمغفره, कि अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ बरकत और रहमत और मगफरत के साथ बढ़ रहा है। इस नुक्ते के ऊपर तवज्जो करें कि खुद माह मुबारक रमज़ान यानी अल्लाह का महीना रहमत और मगफरत और बरकत ये सारी चीज़ें ले करके हमारी तरफ आ रहा है। मसला ये है कि आया हम भी माह मुबारक रमज़ान की तरफ जा रहे हैं या नहीं। एक सूरत यह है कि तहमीली तौर पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ हमारे सर मढ़ दी जाए, यानी हम चाहें या ना चाहें, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि जितने इंसान हैं वो सब चाह रहे हैं कि रमज़ान आ जाए, अगर रमज़ान तो बहरहाल आ रहा है। अगर ज़मीन के अंदर गर्दिश है और दिन और रात तब्दील हो रहे हैं तो ये रमज़ान आ रहा है और हर साल आता रहेगा। पैगंबर ये फरमा रहे हैं कद अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब मसला यह है कि अल्लाह का महीना अगर हमारी तरफ आ रहा है तो क्या वो ज़बरदस्ती किसी इंसान को उन तमाम रहमतों बरकतों और मग़फ़िरत में शामिल कर लेगा कि जो अपने साथ लेकर के आ रहा है? इसलिए कि आप जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर हुए ज़मीन के ऊपर पूरी कायनात में माह मुबारक रमज़ान आ रहा है, पूरी दुनिया के लिए रमज़ान आ रहा है, मगर इसी दुनिया में बसने वाले न जाने कितने अफराद हैं कि जो असलन कलमा नहीं पढ़ते, दीन से वाकिफ नहीं है, दीन आशना नहीं है, दीन को मानने वाले नहीं है, खुदा को मानने वाले नहीं। मसलन चले उस तादाद को अगर अलग कर दिया जाए, खुद आलम इस्लाम में ऐसे बहुत सारे अफराद आपको मिलेंगे जिनको नमाज से मतलब, न रोज़े से मतलब, न हज से मतलब, असल दीन से ही मतलब नहीं है। ये उनकी खुद मजबूरी थी कि उन्हें अल्लाह ने किसी मुसलमान ख़ानदान या किसी माँ बाप मुसलमान माँ बाप के आगोश में दे दिया, किसी इस्लामी घर में आ गए, मोमिनीन के घर में आ गए। ऐसे अफराद बहुत सारे। तो क्या सिर्फ चूंकि माह मुबारक रमज़ान खुद अपने साथ ये सारी चीज़ें ले करके आ रहा है कि जिसमें रहमत खुदा है, जिसमें बरकतें हैं, जिसमें मगफरत है, जिसमें एक खुद सांस का आना जाना, इंसान का हर सांस जो है ये तस्बीह है, जिसमें एक आयत कुरान मजीद की तलावत पूरे कुरान मजीद के ख़त्म करने के बराबर सवाब रखता है, जिसमें एक दिरहम या एक खजूर सदका देना है, आम दिनों में 70,000 दिरहम खर्च करने के से बेहतर है, जिसकी एक शब में इबादत करना जिसे शबे कदर कहते हैं वो 1,000 महीनों से अफजल है। आइए ये वो सारी खसूसियतें कि खुद जो माह मुबारक रमज़ान अपने साथ लेकर के आ रहा है ये ज़बरदस्ती हर एक तक पहुंचने वाली है, क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुद पैगंबर ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें तो लेके आ रहा है रमज़ान,
अब बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कोई हमारे घर आ रहा हो और आने वाला अपने साथ क्या क्या लेके आ रहा है हमें मालूम। मसलन कोई हमारा अजीज है जो सऊदी में रहता है, दुबई में रहता है, लंदन में, अमेरिका में कहीं रहता है, और आने से पहले बता दिया गया हो कि फना साहब जो तशरीफ ला रहे हैं वो अपने साथ ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो ये सारा काम तो उनका है कि वो खुद ला ही रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी इसमें। तो घर पे बैठना है, या घर पे बैठने से वो सारी चीज की जो हमारा कोई अजीज लेकर के आ रहे हैं हम तक पहुंच जाएगी, ऐसा है कि मुमकिन है ऐसा हो जाए, हम नालायक हों इसके बावजूद हमारे हिस्से में वो तोहफे वो सौगात के जो आने वाला अपने साथ लेकर के आ रहा है वो हमें दे दे, रहम भाग्य तरस का। आया माह मुबारक रमजान भी ऐसे ही है जी। अगर इस मिसाल के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो मुमकिन है कि हमें कुछ, हम घर बैठे हुए हैं क्योंकि आने वाला हमें मालूम है कि वो आ रहा है, हमारे रुकने से रुकने वाला नहीं है, ना हमने बुलाया है, मगर वो एक हमारा अजीज है, हमसे कोई निस्बत है उसकी, वो आ रहा है और अपने साथ बे इंतहा तोहफे और तहाइफ लेकर के आ रहा है। अब जाहिर है कि हम घर बैठे हुए हैं, हम अपने रूम में अपने कमरे के अंदर बैठे हैं कि जब उनको आना है वो आ ही जाएंगे, मगर कुछ लोग गाड़ी लेकर के गए हैं इस्तकबाल करने एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट से उसे लेकर के आ रहे हैं, उसी घर में आ रहे हैं जिसमें मैं बैठा हूं, उस अजीज को लेकर के आ रहे हैं कि जो अपने साथ बे इंतहा नेमतें और तोहफे और तहाइफ और आसानियां और आसाइश की बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है, मसलन लिबास हैं, मसलन अच्छे तोहफे हैं, खाने पीने की चीजें हैं, मेवे हैं वगैरह। अब कहते आने के बाद जब वो अजीज आ जाए एक मौका आएगा कि वो सब जो कुछ लेकर के आए हैं वो अपनी सौगात को तकसीम करेंगे, फिर आए सबको बराबर से मिलेगी, तो यकीनन नहीं। वो इंसान की जिसकी सेहत पर इस आने वाले के आने का कोई असर नहीं पड़ा, इसके अंदर कोई हरकत नहीं पैदा हुई, इसके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई, इसका कोई जज्बा जाहिर नहीं हुआ आने वाले के सिलसिले में, आइए ये उन सारे लोगों के बराबर हैं कि जो बेचारे रात भर सोए नहीं आने वाले के इंतजार में, या जो लोग एयरपोर्ट गए हैं लेकर के आने के लिए, जो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कहां पहुंचे, एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मुझ जैसे इंसान है कि जो अपने कमरे में पड़ा हुआ है, आने वाला आ रहा है उसे आना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाई मुलाकात हो ही जाएगी। आया मैं और वो सारे अफराद कि जो सुबह से उठ करके बेदार हैं कि आने वाला हमारा अजीज आ रहा है, मेहमान आ रहा है, हमारे लिए तोहफे ला रहा है, खैरियत बार बार पूछ रहे हैं, उसे लोग रिसीव करने गाड़ी लेकर के गए हुए, ये लोग एक तरफ मैं एक तरफ, आइए ये सब बराबर हैं तोहफों की तकसीम में। आपको कहती है कि सब बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। असल वो इंसान की जो बेरुखी अंजा बरते हैं उसे इस्तेहकाक नहीं कि वो किसी तोहफे के लिए सवाल करे कि एक महीने के बाद जब वो अजीज जाने लगे तो हमसे पलट पूछे, भाई हमने तो बड़ा शोरा सुना था कि आप आ रहे हैं अपने साथ ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, मगर एक महीना आप रहे मैंने तो कुछ नहीं देखा, क्या होगा इसका जवाब? दूसरे लोग खुद आगे बढ़ेंगे कि आप खुद ना लायक थे, ये देखिए हमें ये मिला, कोई कहेगा हमें ये मिला, कोई कहेगा हमें ये मिला, ये तो लेकर के आए थे, मगर आप ही सीधे मुंह इनकी तरफ नहीं बढ़े। قد اقبل اليكم شهر الله, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है, इस जुमले के मुकाबले में आया, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्या बिल्कुल जिम्मेदारी है, और अब जिम्मेदारी हमारी यह है कि जब अल्लाह का महीना खुद हमारी तरफ आ रहा है, अल्लाह का महीना, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि जैसे हमें मालूम हो जाए कि कोई अजीज हमारा आ रहा है तो हम घर में दरवाजा बंद करके नहीं बैठते, हम अपनी बिसात अपनी ताकत अपनी तवानाई के मुताबिक चंद कदम से लेकर के चंद किलोमीटर तक या चंद शहर तक जहां तक हमारी तवानाई
सादे इंसान आगे बढ़कर के इस्तकबाल करता है। असल कुछ लोग हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं इस्तकबाल करने, कुछ रेलवे स्टेशन तक मसलन जाते हैं इस्तकबाल करने, कुछ अपने शहर के दरवाजे तक जाते हैं इस्तकबाल करने, कोई कम से कम अपना दरवाजा खोल करके खड़ा हो जाता है ऐसा पता चला कि वो आ चुके हैं सड़क पर। ये सारे काम क्या है, ये इस्तकबाल का तरीका है। इससे उस जज्बे का इजहार होता है कि इंसान आने वाले का इस्तकबाल कर रहा है अपनी बाहों को फैला कर और इस आने वाले की आमद से खुश है। तो जो करें आप, इस आने वाले की आमद से खुश है, ये खुशी का इजहार है। इससे पता चलता है कि आने वाले का इस्तकबाल जैसा शानदार इस्तकबाल होता है, वही शानदार इस्तकबाल इस बात की दलील बनता है कि आने वाले की अहमियत और उसकी हैसियत हमारी नजर में क्या है। और कोई आने वाला आ गया और हमने मुंह बना के हाँ उसने सलाम किया, मैंने जवाब सलाम दे दिया, कोई इस्तकबाल नहीं, कम से कम अपनी जगह से उठे नहीं, कम दो चार कदम आगे बढ़े नहीं, कोई इस्तकबाल नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। आया हम उस आने वाले से मुस्तफीद हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका दूसरा पार्ट कहां है, पैगंबर ने यह फरमा दिया कि अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसमें ये खसूसियतें, ये खसूसियतें और बे इंतहा खसूसियतें कि जो पैगंबर ने उस पूरे खुतबे में बयान किए जिसे खुतबे शाबानिया कहते हैं, और आपने मुसलसल इसके ऊपर गुफ्तगू उलमा फरमा रहे हैं, सुना होगा। मसला यह है कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें घर में बैठ रहना है या आगे बढ़ के इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल का मतलब क्या है, रोजा रख लेना, इस्तकबाल का मतलब रोजा रख लेना नहीं है। तवज्जो करें इस नुक्ते के ऊपर। फिर क्या मासूम ही ने हमें उसका तरीका भी बयान किया है, वो कहा है, क्या इमाम चहारों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी दुआओं के दरमियान के जो इमाम की दुआओं का मजमुआ किताब सहीफ़ सज्जादिया है, उस सहीफ़ सज्जादिया में जहाँ इमाम ने अलग अलग मौक़ों के एतबार से दुआएं तालीम की हैं कि किस मौके के ऊपर इमाम कौन सी दुआ पढ़ा करते थे, सहीफ़ कामला और सहीफ़ सज्जादिया के अंदर मौजूद है। उन्हीं दुआओं के मजमुए में एक दुआ है कि वो दुआ वो है कि वकाना मिन दुआएही अलैहिस्सलाम इदा दखल शहरु रमज़ान, ये वो दुआ है कि जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उस मौके के ऊपर पढ़ा करते थे कि जब माह मुबारक रमज़ान करीब आने लगता था। यानी आप इसको जब देखेंगे किताब के अंदर तो ये इस्तकबाल माह रमज़ान की दुआ है, यानी रमज़ान जब हमारी तरफ आ रहा है तो हमें घर में नहीं बैठने रहना है, हमें भी आगे बढ़ करके माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल करना है। और रमज़ान का इस्तकबाल कैसे होता है, कदमों के जरिए से चल करके नहीं होगा। फिर क्या वो कुछ अल्फाज हैं कि जिनको जबान पर इंसान जारी करे तो इन अल्फाज के जरिए से इंसान उस अल्लाह के महीने का इस्तकबाल कर सकता है कि जो खुद उसकी तरफ बढ़ रहा है। और यही गर्मजोशी ये जाहिर करेगी कि वाकई इंसान के अंदर माह मुबारक के सिलसिले में कितनी ललक पाई जाती है और कितनी तड़प पाई जाती है और कितनी बेचैनी पाई जाती है और अल्लाह के महीने से मुलाकात का किस कदर इश्तियाक पाया जाता है। ये दुआ 44 नंबर दुआ है सहीफे सज्जादिया में, वो दुआ कि जो इस्तकबाल माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में इमाम सज्जाद ने तालीम किया है, ये 44 नंबर की दुआ है। सैफ सज्जादियाँ उठाएं, उसमें कुछ दुआएं हैं 54, 55, 53, उन दुआओं में से इस दुआ का नंबर जो है वो 44 है, डेढ़ वर्ष की दुआ है। इसमें इमाम ने वो तरीका तालीम किया है कि एक बंदा माह मुबारक रमज़ान के आमद से पहले या कम से कम पहली माह मुबारक रमज़ान को, या आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं यानी
कल से माह मुबारक रमजान की शुरुआत है आज की तारीख में या आज की शब में चांद हो जाए तो, या कल जब पहला माह मुबारक रमजान का पहला रोजा हो, पहला दिन हो सुबह के वक्त, ये वो अवकात हैं इनमें किसी भी वक्त के ऊपर ये दुआ इंसान पढ़ ले। इससे ये जाहिर हो कि सिर्फ माह मुबारक रमजान हमारी तरफ नहीं आया, हम भी रमजान की तरफ आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े तो जाहिर है कि माह मुबारक अपने साथ जो रहमतें, जो नेमतें, जो बरकतें, जो खसूसियात और जो अजर व सवाब लेकर के आया है हम उससे मुस्तफीद हो सकेंगे इंशाअल्लाह। और तकरीबन वही सारे कुछ हम्दो सना है इसमें अल्लाह की, अब ये क्लिप जो है वो तवील हो गई, अल्लाह की हम्दो सना है। इसमें भी माह मुबारक रमदान के कुछ फजाइल बयान किए गए हैं इस दुआ में भी, और फिर आगे बढ़ करके इसमें अल्लाह से दुआ की गई है कि इस माह मुबारक रमदान में मैं कैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, कैसे रहना चाहता हूँ। लिहाजा तू तौफीक मरहमत फरमा कि मैं उसी तरीके से अपनी जिंदगी को इस महीने में गुजार सकूँ कि जो तुझे मतलूब है। कोशिश करें, इस दुआ को तलाश कीजिए, मोबाइल में भी है मौजूद, नेट के ऊपर भी मिल जाएगी। सहीफ़े सज्जादिया दुआ नंबर 44 इस्तकबाल है माह मुबारक रमदान के सिलसिले में। और यकीनन अगर ये इंसान को दुआ ये से पढ़ करके माह मुबारक रमदान में दाखिल होता है तो उसमें और उस इंसान में कि जिसके ऊपर ज़बरदस्ती रोदा लाद दिया गया है एक महीने के रमदान के महीने के बाद, जब दोनों इस माह से बाहर निकलेंगे तो दोनों के किरदार में फ़र्क नजर आएगा। एक वो यकीनन होगा कि जिसने ज़्यादा कष्ट किया होगा फ्यूज़ व बरकत को इस महीने से, और दूसरा बहरहाल उस जगह तक, उस बुलंदी तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? इसलिए कि मासूम के अल्फाज हैं, इमाम सज्जाद की तालीम करदा दुआ है। अगर इसके बगैर भी इंसान उस कमाला उस कमाल उस मानवी बुलंदी तक पहुँच सकता होता तो इमाम बिला वजह इस दुआ को तालीम न करते। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।